हे गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ओला कंपनी ओला S1 एयर को जुलाई मंथ में लॉन्च करने वाली है। ऐसे में बहुत से कस्टमर हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको ओला S1 लेनी चाहिए या फिर ओला S1 एयर लेनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इन दोनों को लेकर फुल डिटेल मिलने वाली है, जिससे आप डिसाइड कर सके कि आपको ओला S1 लेना है या फिर ओला S1 एयर लेना है। तो गाइज, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो अगर सस्पेंशन की बात करें गाइज, तो ओला S1 में आपको सिंगल टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलता था। अगर ओला S1 एयर की बात करें गाइज, तो यहाँ पर आपको डबल टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें गाइज, तो ओला S1 में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट और रेयर दोनों में, लेकिन गाइज ओला S1 एयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर टायर की बात करें गाइज, तो टायर दोनों का सेम ही है, 12 इंचेज के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे दोनों में। कलर की बात करें गाइज, तो ओला S1 सिंगल कलर में आती है, लेकिन गाइज ओला S1 एयर जो आने वाली है, इसमें आपको डबल कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिससे लुक थोड़ा सा अलग दिखता है। डिस्प्ले की बात करें गाइज, तो दोनों में सेम डिस्प्ले मिल जाएंगे 7 इंचेज के, जिसमें फीचर्स भी लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बैटरी की बात करें गाइज, तो दोनों में आपको सेम बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि 3 kWh का है। अगर रेंज की बात करें गाइज, तो ओला S1 में आपको क्लेम रेंज मिलेगा 141 किलोमीटर का। ओला S1 एयर की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्लेम रेंज 125 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करें, तो ओला S1 में आपको 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी। अगर ओला S1 एयर की बात करें, तो इसमें आपको 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। मोटर की बात करें गाइज, तो ओला S1 में मिड ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 5.5 किलोवाट का है। ओला S1 एयर की बात करें, तो इसमें आपको हब मोटर देखने को मिलेगा, जो कि 2.7 किलोवाट का है। अगर मोड की बात करें गाइज, तो दोनों में आपको सेम मोड देखने को मिलेगा, जो कि पहला इको मोड, दूसरा नॉर्मल मोड और तीसरा है स्पोर्ट मोड। अब अगर प्राइस की बात करें गाइज, तो ओला S1 की एक शोरूम प्राइस है 1,30,000 और ओला S1 एयर की बात करें गाइज, तो एक शोरूम प्राइस होने वाला है 1,10,000। तो गाइज, कुल मिलाकर इन दोनों स्कूटी में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन गाइज जो दो मेजर डिफरेंस हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। गाइज, जो पहला है, ओला S1 में आपको मिड ड्राइव मोटर मिलेगा, लेकिन ओला S1 एयर में आपको हब मोटर्स मिलेगा। तो एक ये हो गया। और दूसरा है गाइज, इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के, ओला S1 में आपको मिलेगा, दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे जो ओला S1 एयर है, इसमें आपको कोई डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, कुल मिलाकर जो मेजर डिफरेंस थे, यही दोनों हैं। बाकी गाइज लगभग स्कूटी में सब कुछ सेम ही है। तो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब